Alright, good morning everyone. Time to leave this beautiful place, Kanyakumari. Okay, so today I have to cover 670 किलोमीटर टू बैंगलोर. तो चलो अभी राइड शुरू करते हैं. मैडम है So the hotel where I stayed was Hotel Tamil Nadu और इनका कैंपस, दिस इज द रोड, ओके. इनका कैंपस बहुत बढ़िया है. सो होटल का डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा. यू कैन गो एंड चेक आउट. इफ़ यू आर कमिंग टू कन्याकुमारी यू कैन कम एंड स्टे हियर. थोड़ा प्राइसी है लेकिन अच्छा है होटल, नीट एंड क्लीन और सर्विस भी अच्छा है इधर. साइड वॉच का नहीं, ब्रेकफास्ट तक ओके. तो चलो मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं हम लोग मोटो ब्लॉक पे. बस ओके, तो अपना भी ब्रेकफास्ट हो गया और अब हम निकल रहे हैं बैंगलोर की तरफ. सो द टोटल किलोमीटर आई हैव टू कवर, व्हिच वे इट इज, ओके ओके. यू हैव टू गो टू द सेम डायरेक्शन. गलत रूट ले लिया फिर से. Yeah, so the total distance is not 670 kilometer, it is 654 kilometer मेरे बैंगलोर के लोकेशन तक. और the time is 12:22 PM. तो करीब करीब 12 से 13 घंटे तो लगेंगे बैंगलोर पहुंचने में. If I include my breaks तो शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाए. इन भाई अपने को आराम से पहुंचना है, कोई अर्जेंट नहीं है. बहुत गर्मी है आज. ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, ये सिटी से बाहर निकलता हूँ, सीधे हाईवे पे मिलता हूँ. ओके, तो अभी हमने हाईवे टच कर लिया है और ये वही रूट है जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा जब मैं कन्याकुमारी आ रहा था. तो ये सारे विंड मिल्स दिख रहे थे, तो आई थिंक ये वही रूट है. तो ये तो आप लोगों को मैं वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ. तो अब अपने स्टोरी पे आते हैं. तो धनुष कोटी के बाद एक्चुअली जब मैं तो उस वीडियो में मैंने गलत बोला था. इट वॉज़ नॉट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल, इट वॉज़ हिज हाउस. तो वहाँ पे उनके अचीवमेंट्स वगैरह सब रखे हुए थे, मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया. मतलब जब आप जाके उसे देखोगे तो बहुत इंस्पायर्ड हो गए. लाइक मतलब एक इंसान एक लाइफ में इतना सब कुछ अचीव कैसे कर सकता है, मैं वही सोच रहा था. हाँ, अब आते हैं वीडियो पे. तो वो बताने से पहले ये फुटेज देखो. मैंने कुछ ब्लॉग किया था, इसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या हुआ. तो अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के घर पे हैं और दिस वॉज द पार्किंग एरिया. तो अपनी बाइक वहाँ पे पार्क है और उनकी फैमिली भी नीचे रहती है ऐसा एक बंदे ने बताया. और रिसेंटली आई थिंक उनके एक भाई की भी रहती है. तो अभी चलो देखते हैं कैसे दिखता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का घर. तो मास्क पहनना एक्चुअली यहाँ पे ज़रूरी था, इसलिए पहन के बैठा हूँ. तो चलो अभी जाकर देखते हैं. बूट काटो जाए, स्लीपर निकालना है. स्लीपर्स हमको शूज़ तो घर के अंदर जाने से पहले यहाँ पे शू आपको निकालना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे कैसा है सब बड़े तो भाइयों ये रीज़न था। जैसे ही मैंने वहाँ एंटर किया और वहाँ कुछ लोग थे शायद ज़्यादा केयर टेकर्स, उन्होंने मुझे वीडियो शूट करने से मना कर दिया, विच इज़ फाइन। ऐसे बहुत से जगह रहते हैं जहाँ पे you know, people are not allowed to take photos or videos, लेकिन वही एक रीज़न था जिसकी वजह से I couldn't shoot, I couldn't vlog anything over there। तो ये था डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम हाउस जाने का स्टोरी। और उसके बाद आते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद क्या हुआ कि मैंने सिर्फ एक ब्रेक लिया होगा और विद इन 6 hours आई कवर्ड हाउ मच 327 किलोमीटर्स। जानता हूँ बहुत फास्ट नहीं है बट मेरे लिए इट्स फाइन, क्योंकि सेफ पहुंचना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो हाँ, तो जैसे कन्याकुमारी पहुंचे तो हमने क्विकली डिसाइड किया कि इट्स बेटर टू लीव अर्ली, क्योंकि वहाँ पे गूगल में लिखा हुआ था कि जो मेमोरियल है, जो फेरी राइड इज़ ओनली अवेलेबल टिल 4 o'clock मॉर्निंग 10 to evening 4 o'clock। तो फिर मैं अपने रूम से निकला उसी लोकेशन पे, और वहाँ का क्या सीन हुआ उसको स्टोरी बताने से पहले ये ब्लॉग देखो। ऑलराइट, हाय एवरीवन। तो अभी मैं निकल रहा हूँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो दिस इज़ द होटल आई बुक्ड, होटल तमिलनाडु। सो इसका जो डिटेल्स है, इसका कैंपस भी बहुत अच्छा है, इसका डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगा। एंड फ्रॉम हियर आई कैन सी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये दो प्लेसेस आई एम गोइंग टू कवर नाउ। तो चलो अभी सीधा मोटर ब्लॉक पे मिलते हैं। आई थिंक जो फेरी राइड है वो यहीं पे पास में ही होगी। सो एक फ़ायदा हुआ होटल यहीं पे लेने का। तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, छोटे छोटे शॉप्स भी हैं। और ये क्या है, फिश एग्जीबिशन। तो गूगल में दिखाया था कि फेरी राइड के चार्जेस कुछ 20 रुपीज़ हैं। यहाँ पे अभी जाके देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, अरे पता नहीं। ओके, चलो अंकल ने बता दिया जिससे जा सकते हैं करके। पार्किंग करू शकता तुम्ही। ओके, बाइक यहाँ पे पार्क हो जाएगी। हाँ ते तिरुवल्लुवर आणि ते मेमोरियल आइलैंड, सॉरी कितने, विवेकानंद रॉक मेमोरियल नाव याद। तो दिसता फेरी राइड हंका कोण भी लोग दिसते ना, आई थिंक बंद असते सर। बोटिंग बोटिंग हाँ बहुत ज्यादा है। आज नहीं ओपन, हवा कम माना तो ओपन था। ओपन था क्या आज? आज कल था, कल नशीबत ना। हाँ ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अपने साथ एक्चुअली से फोकट हो चुके हैं। तो अभी फेरी राइड नहीं है आज, उन्होंने बताया कल भी नहीं था आज भी नहीं है, हाई टाइड की वजह से वो लोग जो भी है। अभी मैं यहीं से कुछ वीडियोस लेता हूँ और फिर मैं आपको वीडियोस बताऊँगा। तिरुवल्लुवर का स्टैचू है। से वहाँ भी वो प्लान चॉप आउट होता हुआ देखा। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ देखा कि थोड़ा लैंग्वेज इशू है कंपेयर टू रामेश्वरम, इधर थोड़ा सा ज़्यादा है। और जब हम लोग लंच के लिए निकले थे तो वी हार्डली फाउंड एनी गुड होटल्स, तो कैसे तैसे करके एक दो होटल मिले, लंच किया। और मतलब इन द आफ्टरनून इट वॉज़ ऑलरेडी 4, तो गलती हमारी भी थी, इट वॉज ऑलरेडी 4, तो लंच मिलना तो मुश्किल था। लेकिन डिनर के लिए यू कैन गो टू फ्यू रेस्टोरेंट्स और यहाँ पे नॉन वेज होटल्स भी हैं, अच्छे खासे नॉन वेज होटल्स हैं। यू कैन जस्ट पुट इन द गूगल कि नॉन वेज होटल करके, तो शायद आप लोगों को मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर स्टेइंग एट दैट होटल, होटल तमिलनाडु जहाँ पर मैं रुका था, from there it's hardly like 500 meters you can find few hotels, depends आपको वेज या नॉन वेज। और खाना भी ठीक ठाक था। तो यही था अपना पूरा कन्याकुमारी का स्टोरी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ लेकिन दैट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी, वो तो होता रहता है। आप अभी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ लाइक हमेशा वही नहीं होगा जो आप प्लान करोगे, कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा ऊपर नीचे होता रहता है। बट हाँ, तो मेरा एक सपना था, मेरा एक ड्रीम था दैट आई हैव टू गो टू कन्याकुमारी, जाना है मुझे कन्याकुमारी। आई वांट टू सी रामेश्वरम, आई वांट टू सी पंबन ब्रिज, वो मैंने कर लिया। और आई थिंक ये मेरे लिस्ट में सबसे टॉप पे होगा, माय फर्स्ट लॉन्गेस्ट राइड। अगर मैं ओवरऑल कंसिडर करूँ फ्रॉम कारवार टू बैंगलोर टू कन्याकुमारी टू बैंगलोर एंड देन टू कारवार, देन इट वुड बी अराउंड 2800 अप्रॉक्सीमेटली। वो तो मैं बाद में कैलकुलेट करके आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। और मुझे ये तमिलनाडु साइड एक और अच्छी चीज़ लगी कि जैसे ये क्रॉसिंग्स आते हैं ना रोड के बीच में, जो जंक्शन रहते हैं, तो तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बाइकर्स स्पीड में रहते हैं, कार वाले स्पीड रहते हैं, कोई रोकता नहीं, स्लो नहीं करता, और अचानक से कोई आ जाता है तो 100% एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का मुझे ये जो ट्रैफिक रूल्स है अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने हर वैसे छोटे छोटे जंक्शंस पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं। तो द मोमेंट यू कम आप बैरिकेड देखते हो स्लो हो जाते हो, और तो यही चीज़ मुझे बहुत सही लगी। तो आई थिंक इन माई ऑल वीडियोज़ आई हैव सेड गुड एंड बैड थिंग्स क्लियरली, जो मुझे मन में लगा मैंने बताया। डोंट जज मी ऑन दैट, क्योंकि वो सिर्फ मेरा ओपिनियन है, शायद करेक्ट भी हो सकता हूँ, रॉन्ग भी हो सकता हूँ। और तो बस अभी का प्लान वही है कि जितना हो सके अभी मैं स्टार्टिंग में कवर करूँगा, क्योंकि जैसे कि सबको पता होगा कि जो स्टार्टिंग का जो एनर्जी रहता है दैट स्टेज फॉर लाइक 150-200 किलोमीटर, और उसके बाद तो फिर अपने बम के लगे जाते हैं। मैं ओवरटेक कर लेता हूँ, यहाँ पे हवा, ये विंड मिल की वजह से हवा बहुत तेज़ है, मतलब 200 kg की बाइक भी हिल रही है हाईवे पे। एकदम दिखने में एकदम सुंदर दिखते हैं ना ये, मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा इधर। पहले तो काफ़ी बार देखा था, मतलब दूर दूर से, इतने पास से इतने सारे विंड मिल्स कभी नहीं देखे।